दोस्तों, रेडमी का मोबाइल हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल डेड है ये, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा और ये चार्जर को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसे मैं खोलूँगा और खोलने के बाद ही इसमें पता चल पाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस तरीके से आप किसी भी नुकीली चीज़ को, आपको मैं दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से ओपन करता हूँ। अगर आप पहली बार खोल रहे हैं या फिर सीख रहे हैं तो आप किसी भी नुकीली चीज़ को इस तरीके से डाल लीजिए और इस तरह यहाँ पर जो आपका ढक्कन है थोड़ा सा खुल जाएगा। फिर नाखून की मदद से या फिर ओपनर की मदद से आप इसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको ओपन कर लेना होगा। और यहाँ पर देखिए सिम इजेक्टर है तो उसे आप खोल लीजिए, सॉरी सिम ट्रे है तो उसे आप खोल के अलग कर लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और होता है, काफ़ी सारे मोबाइल पे इधर पे फिंगरप्रिंट दिया रहता है, तो फिंगरप्रिंट है तो धीरे धीरे आपने इसके बैक पैनल को खोलना पड़ेगा क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट के टूटने के चांसेस उसमें सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। फिलहाल इसमें नहीं है तो मैंने इस तरीके से इसको ओपन कर लिया है। वैसे ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये रिपेयर हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्रू के यहाँ पर जो इसकी सील लगी रहती है उसके कट का निशान है। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम हो या फिर बैटरी का भी हो सकता है कोई इश्यू हो। सबसे पहले इसकी बैटरी की हमने वोल्टेज चेक करनी है, तो बैटरी को निकालने के लिए यहाँ पर ये सारे के सारे स्क्रू हमने खोलने पड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं इसको खोल के चेक करता हूँ। पहले इसे मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पर ये बैटरी का कनेक्टर है और ये कौन सा है, ये शायद डिस्प्ले का भी है। हाँ डिस्प्ले का ही है, चलिए इसे भी हम हटा देते हैं इस तरीके से। और बैटरी के कनेक्टर को हम इस तरीके से हटा के यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उस पर वोल्टेज हमने चेक करना है। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लेते हैं 20 वोल्ट की रेंज पे और उसकी वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें कितनी वोल्टेज है, सबसे पहले वही हमने चेक करना है। देखते हैं वोल्टेज तो काफ़ी कम बता रहा है, 2.93 समथिंग बता रहा है, जो कि इसमें कितना होना चाहिए, इसमें होना चाहिए लगभग यहाँ पर 3.85 वोल्ट यह बता रहा है ऑन करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें दो प्रॉब्लम आ सकती हैं, एक तो इसका चार्जिंग जैक ख़राब होगा, तब यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं ले रहा और बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा क्योंकि बैटरी तो डेड नहीं है, थोड़ा सा है। बाकी एक बार इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर कंफर्म करने के लिए यहाँ पर मैं दूसरी बैटरी इस्तेमाल करूँगा। इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब वैसी बैटरी तो नहीं है, बट एमआई से मैंने निकाली हुई किसी भी मोबाइल से, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं बिल्कुल एक्यूरेट वहीं पे लगा लूँगा। ठीक है, एक्यूरेट पॉइंट पे, बिल्कुल गलत नहीं करना वरना मोबाइल शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैंने फिट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको मैं फ़ोन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए, वेट कीजिए, पर डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, इसकी बैटरी की वोल्टेज भी चेक करते हैं। जो बैटरी मैंने अभी इसमें लगाई है उसकी वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ इसमें वोल्टेज 3.69 करीब बता रहा है, इसका मतलब ये ऑन हो जाना चाहिए। अगर ये मोबाइल सही रहेगा तो ऑन हो जाएगा, वरना इसमें कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है सकती है। अब हमें सबसे पहले चार्जिंग जैक को ही चेक करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन को मैं खोल लेता हूँ। उससे पहले एक काम और हो सकता है, ठीक है, ये जो पुरानी बैटरी थी इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर चार्जर को कनेक्ट कर लूँगा। चलिए वेट करते हैं, यहाँ पर चार्जिंग जैक बिल्कुल ओके है, इसका मतलब बैटरी हमारी प्रॉपरली चार्ज हो रही है चार्जिंग जैक से। अब यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम आया है वो बैटरी से रिलेटेड आया हो सकता है। देखिए यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए 16% ये बता रहा है। अब पावर बटन दबा के भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ तो 16% ये बता रहा है। देखिए शायद आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर ये देखिएगा बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर लोगो हाइड हो चुका है। अब यहाँ पर एक ही काम हो सकता है, ठीक है। देखिए ये जो बैटरी है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करके कुछ देर के लिए चार्जिंग में छोड़ देंगे। चलिए मैं इसे पूरा कनेक्ट कर चुका हूँ, अब यहाँ पर कुछ देर को इसको छोड़ देना चार्जिंग के लिए।
और तब तक के लिए छोड़ना है जब तक बैटरी अपनी प्रॉपर वोल्टेज में ना आ जाए। तो चलिए वेट करते हैं लगभग 5 या 10 मिनट का, क्योंकि इसमें जो इसकी बैटरी में जो चार्ज था वो कम था। लगभग 3.85 आने तक इसका वेट करते हैं। देखिए जब बैटरी पूरी तरीके से डेड पड़ जाती है तो उसको बूस्ट होने थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कभी कभी बैटरी का जो है लोगो शो हो रहा है यहाँ पर। वेट कर लीजिए, अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए बैटरी का ब्लिंक कर रहा है एक लोगो। या तो ये बैटरी आपका ख़राब है या तो फिर कुछ देर और वेट करना पड़ेगा इसके चार्ज होने तक का। चलिए वेट करते हैं इसके चार्ज होने तक का। एक चीज़ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी ये चार्जर इसमें लगा हुआ है और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, प्रॉपर यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। इसको मैं ग्राउंड कर लूँगा, मल्टीमीटर सामने आप देख सकते हैं। इस पॉइंट में देखिए, GND के जस्ट बगल वाले पॉइंट में देखिए, यहाँ पर जो चार्जर वोल्टेज दे रहा है वो प्रॉपर यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2.88 दिखा रहा है और उसके बगल में नहीं दिखा रहा चाहिए। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका बैटरी जो चार्ज हो रही है, बैटरी की स्टोरेज इस पॉइंट में दिखाएगा। देखिए अभी 3.6 दिखा रहा है, 7 हो रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, 8 पे आ जाएगा। देखिए धीरे धीरे बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये बैटरी डेड हो चुकी थी, इसको बूस्ट की ज़रूरत थी, इसको चार्ज की ज़रूरत थी। तो ये देखिएगा अभी 9 हो जाएगा, थोड़ी देर पर वेट कीजिए। अभी 8 है, कुछ देर में 9 भी आ जाएगा। देखिए इसका मतलब हमारी बैटरी प्रॉपरली अभी चार्ज हो रही है। लगभग 15 मिनट और लगेंगे, जब तक 3.80 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर ये ऐसे ही ब्लिंक जो इसमें लोगो कर रहा था वो होते रहेगा। तो यही इसका सॉल्यूशन है कि इसको लगभग 15 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है, या फिर कोई बूस्टर है तो उसका यूज आप कर सकते हैं। देखिए अभी 3.10 हो गया, वेट करना पड़ेगा। वैसे मैंने फास्ट चार्जर का यहाँ पर यूज करा है तो जल्दी हो जाना चाहिए। लगभग देखिए 3.11 यहाँ पर बैटरी चार्ज हो चुकी है। दोस्तों लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसकी वोल्टेज चेक करवा के आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी वोल्टेज है 3.79, ठीक है, और यहाँ पर जो चार्जिंग के लिए वोल्टेज आ रही है वो है 4.80 मान के, सॉरी 40 मान के चलते हैं, ये अप डाउन हो रहा है बट 40 मान के चलते हैं। और यहाँ पर देखिए बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है जितना इसका एक्चुअल वोल्टेज होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर इसको अनप्लग कर लेते हैं और बैटरी की वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटरी चार्ज हो चुकी है, अब इसे हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पावर के बटन को मैं प्रेस करता हूँ, उसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए वेट करते हैं इसके ऑन होने का। यहाँ पर अभी ऑन नहीं हो पा रहा, एक बार मैं बैटरी के प्लग को निकाल के दोबारा से लगा लेता हूँ। चलिए अब चलिए यहाँ पे से हम ऑन करते हैं, वेट करते हैं इसके ऑन होने का। यहाँ पर अभी ऑन नहीं हो पा रहा, मे बी पावर का बटन शायद सही से प्रेस नहीं हो पा रहा। चलिए दोबारा से इसको एक बार चार्जिंग में अब लगा के देखते हैं। हाँ अब तो चार्जर उठा रहा है, थोड़ा सा और चार्ज होने देते हैं इसको, फिर देखते हैं। अभी देखते हैं कितना यहाँ पर दिखा रहा है चार्जिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रॉपर चार्जिंग ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी अपने एक्चुअल वोल्टेज में, बट यहाँ पर ये देखिए, हाँ 36% यहाँ पर बैटरी का चार्ज बता रहा है। चलिए ऑन करने की कोशिश करते हैं अब इसे, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर ये ऑन नहीं बता रहा, हो सकता है कि इसमें सॉफ्टवेयर काफ़ी प्रॉब्लम रहा हो। ठीक है, ऑन नहीं हो पा रहा है, इसे हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे चार्जर से। अब यहाँ पर मैं इसे एक बार पैक कर लूँगा, उसके बाद मैं दोबारा से इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा, इसको बूट मोड में ऑन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये अभी ऑन तो हो चुका है, देखते हैं, वेट करते हैं। चलिए तब तक मैं इसके ये वाले कैप को लगा लेता हूँ, यानी कि इस को कस लेता हूँ।
फाइनली ऑन तो दिखा रहा है, MIUI करके यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए वेट करते हैं इसके ऑन होने का, तब तक मैं इसके सारे स्क्रू वगैरह कस लेता हूँ। वैसे जो भी प्रॉब्लम था हमारा सॉल्यूशन हो ही चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आया था बिल्कुल आपके सामने मैंने इसको रिपेयर करना बता दिया। वैसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बस बैटरी इसकी कम चार्ज थी और यहाँ पर प्रॉपरली चार्ज पे आने में कितना टाइम लग गया आपने खुद ही इसको देख लिया। देखते हैं